अखिल भारतीय वैश्य फेडरेशन महिला शाखा की तरफ से सुभाष रोड स्थित कॉलेज के राम मंदिर में तीज महोत्सव का आयोजन नगर अध्यक्ष सीता अग्रवाल की देखरेख में किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष डॉक्टर कविता गुप्ता को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। डॉक्टर कविता गुप्ता ने हरियाली तीज के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बिना हरियाली के हरियाली तीज संभव नहीं है और हरियाली के लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने होंगे तथा जल संरक्षण करना होगा। सीता अग्रवाल ने विभिन्न प्रकार के गेम आयोजित किए, महिलाओं के लिए कई प्रकार के सरप्राइज गिफ्ट निकाले गए। महिलाओं ने सावन के गीत, मल्हार इत्यादि गाए और सावन के गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में पारुल रस्तोगी, सुनीता गुप्ता, रेखा रस्तोगी, सविता अग्रवाल, गीताली अग्रवाल, मीना अग्रवाल, कविता अग्रवाल, लता गोयल, कंचन बाला, प्रीति अग्रवाल, प्रियांशी अग्रवाल, महिमा जैन, अंजू अग्रवाल, रश्मि गुप्ता, छाया अग्रवाल, वंदना अग्रवाल, मंजू गुप्ता, नीता अग्रवाल, शालिनी अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। आज जो आप लोगों ने तीज उत्सव मनाया है उसमें क्या कहेंगे आप? यहाँ पर जो तीज उत्सव मना है बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ पे हाउसी वगैरह खेल रहे हैं, सब लेडीज मिल रही हैं, सब डांस कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं और बहुत अच्छा मजा आ रहा है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और अभी खूब डांस हुआ था, गाने हुए थे, ढोलक बजाई गई थी, गेम्स वगैरह हो रहे हैं और सारी की सारी लेडीज़ जो हैं सब हरे रंग के वस्त्रों में आई हैं और हरियाली छाई हुई है पूरे जगह जगह और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके और मैं चाहूँगी कि हर साल ऐसे मनाया जाए जिससे कि मैं यहाँ पर सम्मिलित हो सकूँ। इसमें हम लोग गेम्स खेल रहे हैं, एक इसी पर जो शोले श्रृंगार लेडीज़ करती हैं उन्हीं के ऊपर हम लोगों ने हाउजी रखी है जैसे, और अभी डांस किया था ढोलक की थाप पर भी बहुत सी मल्हार और तीज के गीत गाए थे, ये सब किया है और सब ग्रीन साड़ी में ग्रीन, सब तीज क्वीन का भी चयन होगा और ग्रीन साड़ियाँ सब और ग्रीन ही सारे जो अपने ज्वेलरी हैं वो पहन के आएंगे लेडीज, सब ग्रीन थीम रखी गई है साड़ी पर। सभी सुहागिनियों के लिए मनाया जाता है, सुहागिन स्त्रियाँ मनाती हैं इसको और ये बहुत खुशी का त्यौहार है ये और सभी सुहागिन स्त्रियाँ खूब चोला श्रृंगार करती हैं और सब खूब उत्साह से झूला झूलते हैं, गाने मल्हार गाती हैं, बहुत अच्छा लगता है, सब आपस में मिलती हैं, हम सब लोग इसे एक दूसरे से मिलकर प्यार होता है। इसमें देखिए महिलाएँ सभी बहुत उत्साहित रहती हैं और ये सुहाग का त्यौहार मानते हैं इसको और सभी लोगों का मन था कि एक तीज आयोजन हम लोग करें, तीज महोत्सव, तो महोत्सव तो नहीं उत्सव के तौर पे हम लोग इसको मना रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इसके बाद एक एक पौधा लगाएंगे सभी लोग मंदिर में ही, क्योंकि ऐसा हम सभी का मानना है कि बिना वृक्षों के हरियाली नहीं है और हरियाली से ही तीज, हरियाली तीज का औचित्य है, इसी वजह से कि हरियाली बड़ी रहे हम लोग जो हैं। इसके बाद अभी रंगारंग कार्यक्रम है, सभी महिलाओं का नाच गाना, मल्हार सावन के गीत, झूला झूलना, ये सब है, अभी गेम्स चल रहे हैं और इसके बाद हम लोग सबसे आखिर में जो है हम लोग पौधारोपण करेंगे सभी महिलाओं का।